माधवर इसका विधायक जी और साथ साथ देश का इधर उधर से आने वाले सभी हमारा महानुभव भाइयों बहनों आप सबको सेवा जहाँ आज मुझे कसरगढ़ के इसी पावन धरती में आने का मौका मिला। मुझे यहाँ बुलाने का और सम्मान करने के लिए मैं सही दिल से सबका आभार हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ये कसरगढ़ में जो हमारे शहीद देवतागण हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ। और ये कसरगढ़ सिर्फ एक एरिया नहीं है, एक सम्मेलन नहीं है, इसी से हमारा आदिवासी का जो 50,000-7,000 साल से चलते आए हुए जो सभ्यता का संस्कृति का रीति रिवाज का जो बहती नदियां है यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से स्थापित हुआ है। मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि हमारा आदिवासी भाई लोग जो अपना प्रकृति धर्म को पूजा करते हैं, मानते हैं, सभी चाहे गंदी हो, चाहे सोना हो, चाहे बिल हो, चाहे पानी हो, जो भी हो, मैं उन सबको पैदा से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने इतना तकलीफ के बाद भी अपना रीति रिवाज छोड़ा नहीं है। हाँ, हमारा कुछ कुछ लोग इधर उधर हो गया है, तो फिर भी अभी भी आदिवासी भाई अपना 80% आदिवासी भाई अपने धर्म को, अपने रीति रिवाज को, अपना पहचान को अभी तक बसाए रखा है। हमारा आयोजन कमेटी तरफ से मुझे बोला गया था कि द्रौपदी मुर्मू जी को एक बार यहाँ आमंत्रित करें। मैंने उन्हें मेल से भेज दिया, लेकिन हम लोग पता नहीं है, तो आप लोग खुद आ नहीं सकते, उसका प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट जब अलाउ करते हैं तभी आ सकते हैं, और यही हमारा बीजेपी गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं किया। फिर इन सम्मेलन में जिस दिन हमारा राम मंदिर और रामलला स्थापन के उसके लिए एक दिन का प्रोग्राम रखा था बधाई देने के लिए, उसी दिन हम बोला था जो हमारे जितना लोग प्रकृति को पूजा कर रहे हैं, जो अपना अपना धर्म मानते हैं, उसको स्वीकृति देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, और राष्ट्रपति जी को यह सम्मेलन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आदिवासी है और प्रथम नागरिक है। तो जो भी हो, मुझे लगता है अगले दिन में जरूर हमारा ये सौभाग्य होगा। और साथ साथ ही आज गुफा घूम के आया है हमारा कमेटी की तरफ से, लोगों की तरफ से, यहाँ बहुत सारा जरूरत है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मेरी तरफ से आपको वादा है, नेक्स्ट ईयर जब आज सेलिब्रेशन करेंगे, यहाँ जितना कमियां हैं उसको जरूर हम फुलफिल कर लेंगे सब मिल के, और गवर्नमेंट से हमारा उम्मीद है जरूर उनसे हमारा जो मदद करना है वो मदद मिलेगा। मेरे भाइयों बहनों, हमारा गंदी धर्म और भाषा के लिए हमारा आदिवासी का बहुत बड़ा इशू है। पहला है हमारा भाषा एक शेड्यूल में शेड्यूल नहीं है, और जब एक शेड्यूल में शेड्यूल नहीं होगा तो भाषा का जितना सुजोग सुविधा मिलना है, बढ़ावा देना है, वो नहीं मिलते हैं। फिर धर्मों को भी हमारा कोई धर्मों को नहीं है। हमारा सोना वालों ने 2011 का सेंसस में लगभग 49.60 लाख ने बोला था हम लोग प्रकृति पुजारी, हम सोना पुजारी है, जहां जैन वाला सिर्फ 45 लाख है। अगर पूरा आदिवासी बोलेगा तो कम से कम 15 करोड़ से ऊपर है, तो इसी को हम पहले उम्मीद रखा था। मेरा उम्मीद है आज नहीं तो कल हमको सम्मान हमको स्वीकृति मिल जाएगा। मैं असम का कोकराझार लोकसभा का आजाद संसद हूँ, नूतन संसद हूँ, दो बार हमारे लोगों ने हमको एमपी बनाया, मुझे उम्मीद है तीसरा बार भी हमको बनाएगा। लेकिन हम एक एमपी होने से कुछ होने वाला नहीं है, इस बार मैं प्रयास है, मेरे साथ कम से कम 10-20 ऐसा एमपी आए जो आदिवासी का बात भी रखे, आदिवासी अपने काम भी करे। यहाँ सारा बहुत बंधु है, बहुत दिग्गज लोग हैं, हमारे डॉक्टर वाले उन्होंने बुलाया, और हमारा भी प्रयास है, अरे आदिवासी वाला अपना जाति अपना धर्म सबको छोड़ के ऊपर उठ के आदिवासी के नाम पे एकत्र हो गया,
अगर हम एक एजेंडा एक झंडा नहीं जो एक पद के तले हम लोग इकट्ठा हो जाए, चाहे सोशल एक्टिविस्ट वाला सामाजिक कर्मकर्ता हो चाहे पॉलिटिशियन वाला, तो जरूर हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कि कर्मकर्ता है आज पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं। मैं काल परसों 3-4 दिन हम झारखंड में था, इसलिए था क्योंकि हमारे अरिंद जी भाई लोग दो चीजों में बहुत उसका योगदान नहीं है। पहला है वो कभी उद्यमी नहीं बनते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बनते हैं। बहुत सारे पंथी का लोग अपना इनकम के लिए धंधे के लिए सिस्टम जो है उसके साथ फॉलो करते हैं, उद्यमिता बनते हैं और अपना जो स्कीम प्रोजेक्ट ले लेते हैं, लेकिन हमारे लोग आगे नहीं आते हैं। तो हमारा प्रयास है उसको आगे करने का। हम यहाँ भी गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में आज पूरा दिन भर यहाँ आने से पहले पूरा 5 पंचायत में घूम के आया, वही देखा मोहर जो हमारा संस्कृति है, मोहर जो हमारा जीवन है, उसको अगर अच्छी तरह से अगर एकमने पे काम उठाएंगे तो जिसके घर में 5 मोहर का पेड़ है वो अच्छी तरह से हमारा जिंदगी सवारी कर सकते हैं। तो आने वाले दिन में इस चीजों में हमको काम करना है। उसके साथ साथ ही बक्सा में बिजनेस सेक्टर में हमारा कोई नहीं है, मेरा अपना 6 सीटर नहीं आता है, वहां पर हमारा सौ गया था, बहुत सारा आदमी रियल स्टेट का मालिक बन गया है, लेकिन यहाँ में जो घूमा छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश झारखंड उड़ीसा बिहार यूपी, यहाँ में बहुत कमी है। ना हमारा कोई अच्छा वाला ठिकाना है, ना कोई बिजनेसमैन है, दो एक तो थोड़ा आगे गया है लेकिन बहुत सारा कमी है। तो इसमें ऐसे में तो हमको काम करना है। तो मेरा जो प्रयास है मैं इसके बताता हूँ, हमने छोटा सा एक पार्टी बनाया जीएसपी बोल के, क्योंकि मुझे मैंने जाके देखा है सारा प्रदेश में घूम के इलेक्शन के टाइम में तो हमारा आदिवासी के नाम पे वोट लेते हैं। अभी 47 अपना रिजर्व सीट है आदिवासी का, सबको पता है, और आपका रिजर्व एमपी है तो आदिवासी बहुत से जीत के आते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में बारी आती है बोलने का तो भी उन लोग का पार्टी अलाउ नहीं करते। आज एक हमारा टक्कर है यहाँ से, एक्चुअली हम हिंदू हैं, यहाँ हम भगवती पुजारी हैं, हम बम बहनों प्रणाम करते हैं या हिंदू को मानते हैं, हिंदू धर्म में क्रिश्चियन मानने हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो आदिवासी का धर्म है आदि धर्म है या हमारा प्रकृति को पूजा करने का हमारा देवदेव को पूजा करना है उसको कौन मना करेगा, कौन मना करेगा। हम किसी हिंदू का किसी क्रिश्चियन का किसी इस्लाम का दुश्मन नहीं है, मैंने बार बार सबको समझाया और यही की बात को हम आगे रखना है। आप लोग किसी में किसी का कोई डरना नहीं है इसमें, और मेरा हमारा भाई जो यहाँ आया हुआ है मुझे लगता है एक दिन हम भी आप लोग सब एक साथ इसी में शामिल होंगे। मतलब आदिवासी तो के जो हमारा कल्चर है जो धर्म है उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मुझे लगता है कसरगढ़ का हमारा जो कास्ट है उनके साथ मिलकर कसरगढ़ को हम कैसे 224+ के रूप में हमारे यहाँ का जो उपलब्ध भी उसको भी उतना ही मान्यता मिले जो बाकी को मिलता है। तो अगर इसी में हम लोग काम करेंगे तो हम सफल होंगे। मैं इसी में ही आया हूँ और मेरा जो प्रयास है हमारा बहुत सारे लोगों को वही प्रयास है। कल जब हम झारखंड में था तो एक ने बोला मुझे जो हमने सार भी देखा है, दादा को देखा है, बाप को देखा है, हमको देखा है, हमारा बेटे बेटे को देखा है, लेकिन हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, थोड़ा जमीन है वो खत्म हो गया तो काम हम क्या करेंगे। तो भाइयों बहनों मैं ज्यादा बोलने वालों में नहीं हूँ, हम करने में कभी भरोसा करते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ इधर दस मेरे साथ मैं एक नहीं 10 या 15 हम एमपी लाएंगे तथा एक वाले से मिलकर काम करेंगे। और इसी प्रयास में अगर मैं आपके इधर में जाएंगे तो जरूर हम आपको मदद मांगेंगे, क्योंकि अभी हम आदिवासियों के लिए हमको लड़ाई लड़ना है। और मैं दिल्ली में तमाम मुंडों से लोग बात किया, बहुत सारा ऐसा छोटा सा पार्टी है, उन्होंने बोला बोला अगर आदिवासी लड़ने के लिए सामने आएगा हम दलित हम आपको साथ देंगे, हम दलित से हम आपको साथ देंगे, हम माइनॉरिटी में से हम आपको साथ देंगे। तो इसलिए ये जो हम मकान बनाने जा रहे हैं इसका फाउंडेशन हमको मजबूत करना पड़ेगा, तो फिर हमको सत्यवान लगेगा। तो मैं जी इससे कह सकता हूँ मुझे सिर्फ आदिवासी पद नहीं रहा है, सारे लोग फोटो देखा मेरा। तो मैंने आज बोला था जब तक बहुत जमीन का नेता है तो नमक वाला शहर में आए, क्योंकि हमको सबको बहुत रहता है। हम लोग आदिवासी इसका मतलब नहीं सिर्फ हम आदिवासी काम करेंगे, अगर एक जिम्मेदार नागरिक है तो आपको
इसी के लिए काम करना है, क्योंकि आदि पिछड़ा इसलिए आठ संकट का जरिया था क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से बहुत दूर है। लेकिन आज आदि पिछड़ा क्या है, हम मलाला से लड़ा, ब्रिटिश से लड़ा, अभी हम गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। मैंने सब को बोला कि लड़ा छोड़ो, बंदूक छोड़ो, राष्ट्र छोड़ो, एक बार अज्ञान का भूटान दबाओ आपके लिए तो सब खेल आपके हाथ में आ जाएगा। आप देखिए कहीं पर हम तो जब एमएलए है तो मिनिस्टर बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन हमारा आदिवासियत के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो तमाम जितना आदिवासी का हमारा पोलिशन है जिसको पुलिस करने को आता है, मेरे यही आह्वान है, सोशल एक्टिविटी जितना है तो सबको मेरा यही निवेदन है, क्यों ना हम एक साथ मिलकर हम सोशल तौर पर फिजिकल तौर पर काम करें और हमारा जो उम्मीद है, हमारा जो प्रोजेक्ट का ख्वाहिश है उसको हम पूरा करें और हमारा देव देवी भी संतुष्ट होएगा और हमको आशीर्वाद करेगा। इसी पर कर्तव्य है, मैं पुनः हमारा तमाम आयोजन कमेटी को, टास्क को मैं तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और आप सबके साथ हम मिल के कसरगढ़ के लिए, कसरगढ़ के उन्नयन के लिए और हमारा को, हमारा देव देवी को प्रतिष्ठा के लिए ये मौजूद हम जो आगे करेंगे। हमारा गंगा वर्मा एक ना एक दिन जोरा से भी मिलेगा, हमारा गंदी वर्मा एक ना एक दिन एक से दिन में आएगा, इनको हम मौजूदों को आगे करना है। और मैं यहाँ सिर्फ बोलने के लिए आ नहीं हूँ, मैं यहाँ लड़ाई जीतने के लिए आया हूँ, है कि नहीं। मेरा लगा में एक बगेलन के नाम पर मूवमेंट हुआ था, हजारों लोगों में बहुत बेबर हुआ था, मारा गया था, हमारा गोल हो संतल हो भी ले यहाँ जहां जाए यहाँ से माइगेट हुआ, कहीं ना कहीं एक फैमिली का किसी को गुजारना पड़ा। लेकिन जिस दौर हमने आया एक प्रयास में हमने 52% वोट लेके हमने जीत गया, जो जिस लोहर में हम लोग कहीं इधर उधर नहीं था और ये लोहर प्रोजेक्ट जो पार्लियामेंट में चले गया आज वहां हमारा डिलीवरी नहीं है। हमने बोला अभी बुलेट से नहीं होगा, बैलेट से होगा या ईवीएम से होगा। तो मेरा यही अनुरोध है हमारा अधीन जी भाव को, अभी कोई बुलेट नहीं है, अभी हमको ईवीएम से लड़ना है। अगर लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, 20-50 नहीं, अगर मेरे साथ 5 या 10 भी हम एमपी लाएंगे तो ये पूरा आदमी से मिलेंगे चलो पहले में हिला देंगे, है कि नहीं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, जोहर, सेवा सेवा।